दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। रेशमा अपने घर में अपने भाई नीरज और अपनी माँ दिया के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन रेशमा के लिए अतुल नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है, जो कि उसको देखने के लिए अपनी माँ काजल और बहन आरती के साथ आता है। रेशमा को देखते ही अतुल को रेशमा भा जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर आरती खुशी से अपनी होने वाली भाभी को गले लगाती है और बोलती है, भाभी आपके आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वैसे आपका रूम कौन सा है? हम दिखा देते हैं आपकी भाभी का रूम। ये हम ननंद भाभी की बात है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? कोई बात नहीं साले साहब, हम है ना, आप हमें दिखा दीजिए। चारों रेशमा के रूम में जाते हैं और दोनों की फैमिली उनकी शादी की डेट निकालने लगती है, जहां सब आपस में बात करते हैं पर रेशमा बहुत कम ही बोलती है। अतुल रेशमा के पास जाकर बोलता है, आपके लिए एक शायरी है, आप बोलो तो सुनाऊं। मेरे लिए शायरी? सुनाइए सुनाइए। वैसे मेरे पास भी एक शायरी है आपके लिए। भाभी आप जितनी शर्मीली और कम बोलती है ना, आपका भाई उतना ही ज्यादा। और मिस्टर आप अपनी शायरी बंद करिए सुनाना, अभी भैया को भाभी के लिए शायरी सुनाने दीजिए। तो भैया जल्दी से शुरू हो जाइए। अब उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे पास कोई नूर है। वाह चीजू क्या शायरी है, पर अब मेरी बारी है सुनाने की। अरे आरती जी शायरी तो अब शुरू होगी, जरा गौर फरमाइएगा। तो अर्ज किया है, तू मेरी बेबी मैं तेरा सोना, डरती क्यों है पागल तुझे तो मेरा ही है होना। ये तुम्हारी शायरी है जनाब? बड़ी ही बकवास है। बहुत बदमाश हो गया है तू। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल सही किया आपने, कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे हैं ये। आप ये क्या बोल रही है, एक तो आपके लिए इतनी अच्छी शायरी लिखी और आप। अरे आप तो बुरा ही मान गए। अच्छा चलो अब मैं एक शायरी सुनाती हूँ। बातों में हो मिठास तो लगता है बंदा नेक, बातों में हो मिठास तो लगता है बंदा नेक, कड़वी बातें भूल जाइए, हैव सम चॉकलेट केक। वाह वाह आरती जी वाह वाह, इसी बात पे हाजिर है आपका केक। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा भैया अब आपकी बारी, चलिए भाभी के लिए एक शेर सुनाइए। हाँ जीजू एक और हो जाए बढ़िया सा मेरी बहन के लिए। चलो ठीक है, खोया हूँ तुम्हारे ख्यालों में, जमाने का कोई होश नहीं, न समझो मुझे दीवाना, इतना भी मैं मदहोश नहीं। उन चारों की हंसी मजाक और शायरी का सिलसिला चल ही रहा होता है कि तभी बाहर से काजल और दिया आवाज लगाती हैं और चारों बाहर जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि रेशमा और अतुल की शादी की डेट निकल चुकी है और अगले महीने के 15 तारीख को उनकी शादी है। डेट निकल जाने के बाद काजल अपने बेटे और बेटी के साथ घर चली जाती है, जहां रेशमा और अतुल एक दूसरे से फोन पर बात किया करते तो वही आरती और नीरज भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रेशमा और अतुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां एक अच्छी बहू की तरह संभाल लेती है, पर दोनों की फैमिली आरती और नीरज की नजदीकियों से अनजान अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। और एक दिन आरती और नीरज एक होटल में मिलते हैं, जहां नीरज उससे बोलता है, कितना टाइम लगा दिया आने में, पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या करूँ, सबकी नजर से छुपकर जो आना पड़ता है तुम्हारे पास। तो दीदी को बता दो ना सब कुछ, या मैं ही बताऊँ उन्हें। भाभी को बता तो दूँ, पर तुम्हें पता है ना भैया कैसे हैं, वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका कहना तो ये है कि एक रिश्तेदारी में बस एक ही शादी होनी चाहिए, एक जगह सारे रिश्ते नहीं बनाए जाते। और भाभी तो तुम्हारी बहन है ना। दीदी सब संभाल लेंगी, बिलीव मी। दोनों बातें करते करते एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वही रेशमा आरती को फोन करती है और बोलती है, आरती तुम कहाँ हो, तुम्हारे भैया कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम जल्दी आओ, मैं और देर तक उनका गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, और प्लीज
कहीं भी जाती हो तो बाबू कम से कम मुझे तो बता दिया करो। भाभी मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज आप भैया को संभाल लो ना। इतना बोल आरती फोन रख देती है और नीरज जल्दी से उसको घर छोड़ अपने घर चला जाता है। डरते हुए आरती अंदर जाती है और घर में अंधेरा देख बोलती है, माँ भैया भाभी आप सभी लोग कहाँ हो और घर में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज आरती, तुमने जर्नलिज्म का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। और कॉल पर जो मैंने तुम्हें बोला उसके लिए सॉरी। हाँ, अब मेरी बच्ची का सपना दूर नहीं है। आरती यह जान बहुत खुश होती है और टाइम मिलते ही वो ये खबर नीरज को देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरती को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो तुरंत नीरज को बताती है, जिस पर नीरज बोलता है, आरती मान जाओ मेरी बात, आखिर कब तक हम ऐसे ही सच छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। कोई नहीं मानेगा नीरज, और जैसे ही सबको यानी कि भैया और माँ को पता चलेगा हमारे इस रिश्ते के बारे में, वो दोनों मिलकर मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। उसकी ये बात सुन और आरती की प्रेगनेंसी को देख नीरज उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और बोलता है, तुम और मैं अब एक हैं आरती, और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब चलो मेरे साथ चलकर सबको सच बता देते हैं। नीरज और आरती हिम्मत करके अतुल के पास जाते हैं। नीरज को देख अतुल बहुत खुश होता है और उससे बोलता है, अरे आओ आओ साले साहब, आज कैसे आना हुआ? थोड़ी देर बाद आरती भी उसके सामने आती है और उसके माथे पर सिंदूर, और उन दोनों को एक साथ देख अतुल के होश ही उड़ जाते हैं और अतुल बोलता है, तो आज साले साहब मेरे जीजा बनकर आए हैं, पर मेरी एक बात तुम दोनों सुन लो, मैं नहीं मानता तुम्हारे इस रिश्ते को। साले साहब निकलो और आरती से दूर हो जाओ, तुम मेरे कभी जीजा नहीं बन सकते, समझे? आरती रोते हुए अपने घर वालों को सारा सच बताती है, पर अतुल अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखता और दोनों को अपनी नजरों के आगे से दूर कर अपने रूम में जाकर अपनी बीवी से बोलता है, तुम्हारा भाई एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है जो हर लड़की पर लाइन मारता है, और आज उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाई ने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, वो उससे सच्चा प्यार करता है, तभी उसने उससे शादी की है। अगर वो गिरा हुआ इंसान होता ना, तो इस हालत में वो आरती से शादी करने के बजाय उसे छोड़ देता। और दोनों बड़े समझदार हैं जी, अपनी लाइफ का फैसला लेने का हक है उन दोनों को, मैं उनके साथ हूँ, आप बस कीजिए। अरे बहू, मैं भी अपनी बेटी और दामाद के साथ हूँ, हम सब इसके साथ हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और समय के साथ साथ अतुल भी पुरानी बातों को भूलने लगता है। कुछ ही दिनों में आरती एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची को देख अतुल का सारा गुस्सा और शिकायतें दूर हो जाती हैं और वो नीरज को अपने जीजा के रूप में अपना लेता है। और इसी तरह उन चारों की जिंदगी में एक बार फिर खुशियों की बरसात हो जाती है और सब अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।